टॉप बेस्ट स्टूडेंट्स लैपटॉप अंडर 45,000। तो यार अगर आपका बजट 45,000 है, स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप सभी के लिए लैपटॉप बताऊंगा जो कि आप 40,000 से लेके 45,000 के बजट रेंज में ले सकते हो। ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए बात करते हैं नंबर फोर की बात करते हैं। लेकिन नंबर फोर की बात करने से पहले भाई मैं आपको इतनी बात कह देना चाहता हूँ, मैं जितने भी आपको लैपटॉप बताऊंगा सभी टॉप ब्रांड में से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते, बात करते हैं नंबर फोर की बात करूँ। नंबर फोर पे यार मैंने रखा है MI नोटबुक 14 को। तो सबसे पहले मैं आपको इतनी बात बता देना चाहता हूँ, ये लैपटॉप दो वेरिएंट में देखने को मिलता है भाई। अगर आपका बजट 40,000 है आप इस प्राइस रेंज में जा सकते हो, अगर आपका बजट 44,000 है आपको इस प्राइस रेंज में भी ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। अगर आपका बजट 40,000 है उस प्राइस रेंज में आपको i3 10th जनरेशन के साथ देखने को मिलेगा एंड 256 GB SSD देखने को मिलेगी। प्लस भाई अगर आपका बजट 44,000 है इस प्राइस रेंज में आपको i5 10th जनरेशन के साथ मिलेगा एंड आपको 512 GB SSD देखने को मिल जाती है। और स्पेसिफिकेशन दोनों में आपको सेम ही देखने को मिलते हैं। बैटरी लाइफ आपको 10 आवर्स की देखने को मिल जाती है। आपको 720p वेब कैमरा साथ में फ्री मिल जाता है। तो भाई अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, ऑफलाइन क्लासेस लगानी है, बिजनेस के रिलेटेड चाहिए, एमएस ऑफिस पे काम करना है, या अगर आपने कोई लोडेड फाइल पे काम करना है, कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, जहां अगर आपने नॉर्मल सेटिंग पे वीडियो एडिटिंग करनी है, आप सभी के लिए ये लैपटॉप जो है परफेक्ट डील होने वाला है। इन दोनों में से जिसकी और भी आप जाना चाहते हो, अपना बजट देख लेना, अपनी प्राइस देख लेना, आप जा सकते हो MI नोटबुक 14 की। और अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है जो कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करूँ आपको i3 10th जनरेशन के साथ मिलेगा। प्लस आपको 2.10 GHz की बेस स्पीड देखने को मिलेगी, प्लस 4.10 GHz की मैक्सिमम स्पीड देखने को मिल जाएगी। आपको 2 कोर के साथ मिलेगा, प्लस आपको 4 थ्रेड के साथ देखने को मिलेगा। i3 10th जनरेशन के साथ आपको 40,000 के बजट रेंज में मिलेगा, ठीक है। i5 10th जनरेशन के साथ आपको 44,000 के बजट रेंज में देखने को मिलेगा। मैं आपको फिर से बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ, आप गलत इंफॉर्मेशन अपने पास मत रख लेना। स्टोरेज की बात करूँ आपको 8 GB रैम मिल जाती है, प्लस 256 GB मिलेगी आपको 40,000 के बजट रेंज में। अगर आप लोगे 44,000 के बजट रेंज में तो आपको 512 GB SSD देखने को मिलेगी। बैटरी लाइफ 10 आवर्स की मिल जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 मिल जाएगी, प्लस आपको 720p वेब कैमरा साथ में फ्री मिल जाएगा। ग्राफिक कार्ड की बात करूं आपको इंटर UHD ग्राफिक मिल जाएगा 2 GB के साथ। प्राइस की बात करूं मैंने आपको पहले भी रिपीट कर दिया, बार बार रिपीट कर दिया, तो एक का प्राइस आपको 40,000 मिलेगा, दूसरे स्पेसिफिकेशन के साथ आपको 44,000 के बजट में प्रॉक्स देखने को मिल जाएगा MI नोटबुक 14। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया MI नोटबुक 14 के। तो प्लस पॉइंट तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। माइनस पॉइंट सिर्फ इसकी रैम देखने को मिलती है जो कि आपको 8 GB तो मिल जाती है, लेकिन आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो यार इन फ्यूचर अगर आपने रैम को अपग्रेड करना होगा आप नहीं कर पाओगे, जो कि सच में एक माइनस पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो भाई इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने खुद चेकआउट करना है, स्पेसिफिकेशन पढ़ने, डिज़ाइन लुक कलर वगैरह चेकआउट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी लैपटॉप्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बेस्ट डील होने वाले हैं, तो सभी कुछ चेकआउट कर लेना। अभी आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करते हैं। लेकिन नंबर थ्री की बात करने से पहले मैं आपको कह देना चाहता हूँ, नंबर थ्री को एंड नंबर टू को मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, बिकॉज दोनों लैपटॉप आते हैं असूस की ओर से। मैं बात कर रहा हूँ असूस वीवोबुक 15 की एंड मैं बात कर रहा हूँ असूस वीवोबुक अल्ट्रा 15 की। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगर आपका बजट 40,000 है आपके लिए परफेक्ट डील होने वाली है असूस वीवोबुक 15, बिकॉज ये आपको 40,000 के बजट रेंज में देखने को मिल जाते हैं एंड इसके स्पेसिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं। तो भाई अगर आपको 40,000 के प्राइस रेंज में लोडेड लैपटॉप चाहिए, मैं तो आपको सीधा रिकमेंड करना चाहता हूँ असूस वीवोबुक 15 आपके लिए परफेक्ट डील होने वाली है। अभी बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको 2020 मॉडल देखने को मिलेगा, i3 11th जनरेशन के साथ देखने को मिलेगी, 8 GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 20 GB अपग्रेड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है रैम को, ठीक है। आपको SSD देखने को मिलेगी, SSD भी आपको नॉर्मल नहीं देखने को मिलती, NVMe SSD देखने को मिलेगी, जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है अगर आपने डाटा वगैरह ट्रांसफर करना है, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाली है। आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगी। विंडो 10 मिल जाती है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, प्लस आपको 2019 वर्जन मिल जाता है। MS ऑफिस इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, 5 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देती है, फिंगरप्रिंट साथ में मिल जाएगा, एंटीवायरस भी मिल जाएगा 1 साल के लिए।
तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Asus VivoBook 15 के। तो भाई अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो, बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने खुद नहीं चेकआउट करना है खुद ही चेकआउट कर सकते हो। तो भाई अगर आपका बजट 40,000 है, 40,000 के बजट रेंज में अगर आप स्टूडेंट हो, ऑनलाइन काम करते हो, ऑफलाइन काम करते हो, ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहते हो, ऑफिस यूज़ के लिए चाहिए, हैवी वर्क करना है, हैवी टास्किंग करनी है, एमएस ऑफिस पे काम करना है, या अगर आपने कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, या फिर अगर आपने नॉर्मल सेटिंग पे वीडियो एडिटिंग करनी है, आप सभी के लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील होने वाला है। एंड इसका प्राइस रेंज भी सच में बहुत ही ज़्यादा सेट है अगर देखा जाए। आगे बात कर लेते हैं नंबर टू की बात करूँ नंबर टू पे यार मैंने रखी है Asus VivoBook Ultra 15 को। तो सबसे पहले भाई ये भी आपको 2020 मॉडल देखने को मिल जाता है। एंड इसके प्राइस रेंज की बात करूँ आपको 44,000 के बजट रेंज में अप्रॉक्स ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। इसकी डिज़ाइन, इसके लुक एंड इसके कलर वगैरह सच में बहुत ही ज़्यादा सही है। अगर आपको कलर, डिज़ाइन, कलर वगैरह मैटर करते हैं आपके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील होने वाले हैं। स्पेसिफिकेशन इसके भी बहुत तगड़े मिल जाते हैं आपको। i3 11th जनरेशन के साथ इसमें भी मिल जाएगा, 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप कर सकते हो 12GB तक, प्लस NVMe SSD इसमें भी देखने को मिल जाते हैं, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगी, 60 रिफ्रेश रेट के साथ विंडो 10 मिल जाती है, MS Office 2019 वर्जन मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, उसके बाद आपको 8 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देती है, फिंगरप्रिंट भी आपको देखने को मिल जाता है, प्लस आपको 720 HD वेब कैमरा भी साथ में देखने को मिल जाता है। तो भैया ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑफलाइन क्लासेस के लिए, ऑफिस यूज के लिए, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, आप सभी के लिए परफेक्ट डील होने वाले हैं। तो भैया अगर आपने हैवी टास्किंग करनी है बस इसकी रैम को अपग्रेड कर लेना, आप नॉर्मली इजिली कर सकोगे, कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आने वाला। अगर आपको बेट 44,000 आप इस प्राइस रेंज में इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो, बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने चेकआउट करना है चेकआउट कर सकते हो, अगर आपने सिर्फ देखना है डिजाइन लुक वगैरह चेकआउट करना चाहते हो तो भाई चेकआउट कर सकते हो, चेकआउट करने के कौन सा पैसे लगते हैं। आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ नंबर वन पे यार मैंने रखी है HP 15 को। तो सबसे पहले भाई ये लैपटॉप आपको 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है। HP एक ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है। मुझे बहुत ऐसे बंदे मैसेज करते हैं जिनको HP का लैपटॉप चाहिए होता है, जिनको डेल का लैपटॉप चाहिए होता है। तो भाई अगर आप भी उनमें से आते हो जिनको HP या डेल का लैपटॉप चाहिए, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है HP 15 2021 मॉडल। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बात, उनको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बातों को AMD Ryzen 3 देखने को मिलेगा 3250U के साथ, प्लस आपको 2.6 GHz की बेस स्पीड देखने को मिलेगी, प्लस 3.5 GHz की मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलेगी। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप कर सकते हो 16GB तक, प्लस इसमें आपको SSD देखने को मिलेगी। जो मैं स्पेसिफिकेशन आपको अभी बता रहा हूं ना, इसके अपर ही स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। बैटरी की बातों को 12 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है, प्लस MS Office भी मिल जाएगा 2019 वर्जन। प्राइस की बात करूं आपको 40,000 से लेके 45,000 के बजट रेंज में HP 15 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया HP 15 2021 मॉडल के। प्लस भाई मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं, एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कर लेना, बिकॉज अगर कोई ऑफर होगी इस प्राइस रेंज में मैं उसका भी जो बाइंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार आप चेकआउट जरूर करना, आपके लिए ही बेस्ट डील होने वाली है। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर दे फॉलो। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेक आउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।